हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संजय। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की जो वीडियो है वो एज के ऊपर है। एज यू नो, एज योर विश, इस तरह के वाक्य जब हम बोलते हैं तो इनको कैसे हम, क्या फंक्शन होते हैं, क्या मीनिंग होता है, इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं एज को। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। एज का जो हिंदी के मायने आते हैं, हिंदी का जो मीनिंग होता है वो होता है चूंकि, मानो, जब, जैसे, क्योंकि। इसका जो रूल है वो ये है कि एज को आप या तो स्टार्टिंग में यूज कर लें, जैसे कि यहाँ पे रूल है कि एज पहले आया हुआ है, उसके बाद कोई भी टेंस, किसी भी टेंस में इसको यूज कर सकते हैं। जो नॉर्मली हमारा जो रूल होता है, कोई भी एज सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, या तो ऐसे यूज कर लें, या इसको बीच में भी यूज कर सकते हैं। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एज, और फिर कोई दूसरा क्लॉज, यानी कि दूसरा टेंस। एक बार वाक्य बना के देख लेते हैं। रीजन यानी कि कारण, एज मैंने स्टार्टिंग में यूज कर लिया है, जैसा, चूंकि, चूंकि ये पब्लिक हॉलीडे है, क्योंकि, यानी कि बिकॉज का भी काम करता है ये, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ अ पब्लिक हॉलीडे, या कह सकते हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन है इसलिए सारी दुकानें बंद हैं। एज इट इज लॉकडाउन ऑल शॉप्स आर क्लोज्ड, सारी मार्केट बंद है, सभी दुकानें बंद हैं। एज मैंने स्टार्टिंग में कर दिया है एज, उसके बाद फिर वही हमारा टेंस है पूरा, तो ऑल द शॉप्स आर, कुछ भी लगा सकते हो आप। एज को मैंने पहले यूज किया है, क्योंकि एज का यहाँ पे फंक्शन हिंदी में आ रहा है, क्योंकि। एज दे लीव नियर अस, चूंकि, यानी कि क्योंकि वो हमारे पास रहते हैं, एज क्योंकि वो हमारे पास रहते हैं, वी सी देम मैनी टाइम्स, हम उन्हें कई बार देख लेते हैं, कई बार देखते हैं, दूसरा सेंटेंस है। थर्ड देख लेते हैं, इसको मैंने बीच में यूज किया है, यहाँ पे दो सेंटेंसेस के अंदर इसको एज सबसे पहले यूज किया है, एज ए मतलब बिगिनिंग में किया है, और अब इसको एज ए बीच में कनेक्टर के जैसे यूज करके देख रहे हैं। वी वॉच टी वी यस्टरडे, हमने कल टी वी देखा, क्योंकि हमारे पास कुल काम तो है नहीं, अब ये घर में बैठे हैं, करेंगे क्या, या तो टी वी देखेंगे या फ़ोन देखेंगे या फिर बातें करेंगे। सो वी वॉच टी वी यस्टरडे, कल हमने सारा दिन टी वी देखा। एज वी हैड नथिंग टू डू बेटर, क्योंकि हमारे पास कुछ करने के लिए बेहतर था नहीं, इसीलिए क्योंकि हमारे पास कुछ अच्छा था नहीं करने के लिए, इसलिए हमने टी वी देखा। यानी कि एक टेंस और दूसरा टेंस, और उसको हमने ज्वाइन कर दिया एज से। सेकंड है टाइम। टाइम कैसे, इसको जब दो काम एक बार में हो रहे हैं, टू वर्क्स यानी कि टू फंक्शंस, टू एक्शंस आर, कैसे, आई सा हर एज सी ओपन द डोर, मैंने उसे देखना और उसका दरवाज़ा खोलना, मेरा उसका देखना और उसका दरवाज़ा खोलना, एक ही समय पे हो रहे हैं। टाइम देखें, आई सा हर एज सी ओपन। अब यहाँ पे एज का मीनिंग होता है जैसे, पहले में कारण आ रहा था, क्योंकि हो रहा था, अब जैसे। मैंने उसे देखा एज सी ओपन द डोर, मैंने उसे देखा जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, यानी कि जैसे, अब जैसे उसने दरवाज़ा खोला मैंने उसे देख लिया, कारण टाइम है। टाइम, कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, क्या आप लाइट्स ऑफ कर सकते हैं। एज यू गो आउट, अब यहाँ पे जब का फंक्शन कर रहा है ये, जब आप बाहर जाएं क्या आप लाइट्स ऑफ कर सकते हैं। तो आप सिर्फ मीनिंग समझ लीजिए, एज यू गो आउट प्लीज टर्न ऑफ द फैंस और लाइट्स, जैसे आप बाहर जाएं आप लाइट्स को बंद कर दें। आई होप फिर समझ में आएगा, ये बीच में एज ए कंजंक्शन हम यूज कर रहे हैं इसको। तीसरा देख लेते हैं, सी स्लिप्ड, अब दो काम एक बार हो रहे हैं, इस सेकंड में भी देख लीजिए, बंद करना और बाहर जाना, यानी कि दो कामों को जोड़ रहा है, यानी कि जब आप बाहर जाते हैं तो लाइट्स को बंद कर दें। दूसरा काम, तीसरा एक सेंटेंस देखते हैं, शी स्लिप्ड, वो फिसल गई, एज शी वॉज गेटिंग ऑफ द बस, गेटिंग ऑफ द बस, वो फिसल गई जब वो बस से उतर रही थी, यानी कि दो काम, टाइमिंग देखें, उतरना और फिसलना,
दोनों का टाइम सेम है, एक वर्क कंप्लीट होता है दूसरा हो जाता है सेम टाइम पे ही, ठीक है। तो नेक्स्ट है, द थीप वाज सीन एज ही वाज क्लाइंबिंग द वॉल, चोर को देखा गया जब वो दीवार चढ़ रहा था, यानी कि दोनों काम टाइमिंग सेम है, देखना देखा जाना और दीवार पर चढ़ना, और इसको भी जब जब वो दीवार पर चढ़ रहा था जब तुम बाहर जाओ। लास्ट देख लेते हैं, एज द डे वेंट ऑन, जैसा अब ये स्टार्टिंग में यूज किया गया है एज को, जैसे यहां पे जैसे द टाइम वेंट ऑन, जैसे ही समय गुजरा, टाइम सॉरी डे वेंट ऑन यानी कि दिन बीता, द वेदर गॉट वर्स, और ही ज्यादा भयानक और ही ज्यादा खतरनाक जो है मौसम होता गया, इसका मीनिंग यहाँ पे ये आ रहा है। जैसे जैसे जो है दिन गुजरा वैसे ही मौसम और ख़राब हो गया और बिगड़ गया। तो ये थे, इसका भी टाइम है, देख लीजिए यहाँ पे जो है दो काम हो रहे हैं, टाइमिंग देखे, टाइम समय का दिन का गुजरना और दूसरा काम उसके साथ ही हो जाना यानी कि वेदर का और भी ज़्यादा बिगड़ जाना। तो ये था एज, आई होप आपको समझ में आएगा। मैं अभी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलता हूँ, और उस टिल देन बाय बाय।